आज होने जा रहा है देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास। पीएम मोदी रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला। थोड़ी देर में जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली एनसीआर को मिलेगा दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो भी 2024 से पहले पहले। जी हाँ, सितंबर 2024 की फिलहाल डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है। जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी सितंबर 2024 तक, ये मानकर चला जा रहा है। यानी फर्स्ट फेज जो है एयरपोर्ट को बनाने का वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और इंटरनेशनल उड़ानों की हो जाएगी शुरुआत। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेवर से ही, और जितेंद्र भाटी भी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आज सुबह से इतनी हलचल आप दिखा रहे थे, लग रहा है अब बैठने का वक्त आ गया है। अब क्या हलचल रुक गई है क्या? देखिए, हलचल बिल्कुल नहीं रुकी है, और अभी जब मैं यहाँ पर मैं हूँ, देखिए यहाँ पर लोक संगीत का अद्भुत अध्याय दिख रहा है, और यहाँ लोक गायक हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मथुरा से। बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं आज। खुश नजर, खुशी में गीत होना चाहिए, जो गीत यहाँ गाएंगे आप। अरे आयो रसिया मोर बनिया, आयो तो देखिए तमाम तरह के रंगारंग कार्यक्रम इस वक्त जेवर एयरपोर्ट पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे, आधारशिला रखेंगे देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जी हां, देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये होगा, और दुनिया का चौथे नंबर का बड़ा एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन सुबह से ही प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई है।